म्यूजिक सुनो पैसे कमाओ, जी हाँ ये पॉसिबल है और 100% काम करता है। ये इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट का वीडियो है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फर्स्ट पार्ट आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए ताकि आपको सारी चीजें समझ आए कि इस वीडियो में क्या कंटेंट होने वाला है, तो आगे आपको पूरा पता चले। वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें पता चले। तो यार पहले पार्ट में कई सारे कमेंट्स आए, कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि अब हम लोग को कॉपीराइट फ्री म्यूजिक कहाँ से मिलेगा, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, और क्रिएटिव कॉमन्स को लेके भी कुछ सवाल आए कि यार क्रिएटिव कॉमन्स कैसे यूज करें, क्या ये अलाउड है, क्या ये नहीं अलाउड है। तो मैं आपको ये बता दूं कि क्रिएटिव कॉमन्स वीडियोस को आप यूज कर सकते हो, लेकिन उन्हें आपको थोड़ा बहुत एडिट करना होगा और अपने हिसाब से अपने खुद कुछ उसमें ऐड करना होगा, उसके बाद ही उन वीडियोस को आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एक क्रिएटिव कॉमन्स का वीडियो यूज करना चाहते हो, जैसे कि एक म्यूजिक वीडियो है, तो आपको उस म्यूजिक वीडियो पे या तो आप अपना रिएक्शन दे सकते हो, इस तरह का एक वीडियो बना सकते हो, या तो फिर आप उसका कोई रिव्यू दे सकते हो, कोई अपना थोड़ा सा वॉइस ओवर ऐड कर सकते हो, ऑलमोस्ट इतना भी कर दोगे कि दिस इज अ वीडियो बाय दिस दिस दिस, जो भी क्रिएटर है उसको क्रेडिट दे दोगे, और उसके बाद उसे अगर यूट्यूब पे अपलोड करोगे एडिटिंग के बाद, तो फिर आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी और आप उस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हो अपने चैनल पे। अब आज मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ से आपको फ्री में कॉपीराइट फ्री म्यूजिक मिलेगा, और ऐसा कॉपीराइट फ्री म्यूजिक जिसके आपको रीसेल राइट्स मिलेंगे कि आप इसे रीसेल यूज कर सकते हो, कमर्शियली भी रीयूज कर सकते हो। तो वीडियो लास्ट तक देखना, पूरी चीज बताने वाला हूँ, फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्टेड। हाँ तो दोस्तों आ गए हम अपनी स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कीवर्ड टाइप किया है गूगल में जिसका नाम है म्यूजिक विद मास्टर रीसेल राइट्स। जी हाँ, यहाँ पे आपको ऐसा म्यूजिक ढूंढना है जिसमें आपको रीसेल राइट्स मिलते हैं, मतलब कि आप इस म्यूजिक को कमर्शियली फिर से जहाँ चाहे जहाँ यूज करना चाहे वहाँ हर जगह पे यूज कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे भी इन म्यूजिक को आप यूज कर सकते हैं अपना कॉपीराइट फ्री म्यूजिक चैनल बनाने के लिए। तो यार यहाँ पे आप सबसे पहली वेबसाइट देख सकते हैं, यहाँ पे इसका नाम है masterresellrights.com। अगर आप मेरे YouTube के पूरे वीडियोस के लिस्ट में जाएंगे तो आपको इस पे भी एक वीडियो मिल जाएगा जिसपे मैंने PLR के बारे में बहुत पूरा एक वीडियो बनाया है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जैसे ही हम ओपन करते हैं तो यार यहाँ पे हमें मिल जाते हैं कुछ 70 रॉयल्टी फ्री म्यूजिक ट्रैक्स जिन्हें आप यूट्यूब पे सिंपली वीडियो क्रिएट करके अपलोड कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप काइनमास्टर का यूज कर सकते हैं, आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑलमोस्ट। तो यार यहाँ पे देख सकते हैं 70 ट्रैक्स मिल जाते हैं आपको 12 से लेकर 60 सेकेंड तक के। तो यार म्यूजिक ट्रैक्स बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, तो आपको हर एक साइज का म्यूजिक ट्रैक अपलोड करते रहना होगा। तो यार यहाँ पे आप 70 यानी कि आपके पास 70 वीडियोस का कंटेंट आ जाता है अगर आप इसे यूज करते हो। तो सिंपल इसे आपको डाउनलोड कर लेना है और कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आपको वीडियोस क्रिएट करके डालना है कंसिस्टेंट बेसिस पे। इसके बाद आप देख सकते हैं एक और वेबसाइट है जो है IDPLR। तो यार यहाँ पे भी आपको कई सारे चीज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे प्रोफेशनल म्यूजिक ट्रैक पैकेजेस हैं, ये सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं। यार इनमें आपको 200-300 सारे के सारे कॉपीराइट फ्री म्यूजिक ट्रैक्स मिल जाते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए शुरुआती कंटेंट। और एक बार अगर आपको शुरुआती कंटेंट अच्छा मिल गया तो और आपके पास एक ऑडियंस क्रिएट हो गई, तो उसके बाद आप आर्टिस्ट से भी बात कर सकते हैं और आपको आर्टिस्ट भी खुद अपना सॉन्ग प्रोवाइड करेंगे कि यार हाँ हम आपको परमिशन देते हैं, आप हमारा सॉन्ग यूज कीजिए, क्योंकि तब आपके पास ऑडियंस होगी। लेकिन जब तक ऑडियंस नहीं है आप इनसे काम चलाइए, इनसे आपको एक ऑडियंस बिल्डअप करने का चांस मिलता है। तो यार ये सारी चीजें हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सारे इसमें म्यूजिक ट्रैक्स मिल जाएंगे, कई सारे अलग अलग म्यूजिक ट्रैक्स हैं आप कईयों का यूज कर सकते हैं। तो यार एक बार आप गूगल पे सर्च करेंगे ये वाला कीवर्ड तो आपको कई सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएगी, सिर्फ मैंने अभी तो 2 या 3 ही बताई है, लेकिन हजारों वेबसाइट्स हैं इस तरह की जो कि आप यहाँ पे मिल जाएगी आपको, और आप यहाँ से इस तरह से म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं और उसे यूट्यूब चैनल पे अपनी कॉपीराइट फ्री यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल तरीका है। तो यार सारी चीजें मैंने बता दी, आपको कंटेंट कहाँ से लेना है वो भी मैंने बता दिया, अब चैनल मैं आपके लिए नहीं बना के दे सकता, वो आपको अब खुद एक्शन लेके शुरुआत करनी होगी।
दोस्तों ये है वो वेबसाइट जहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, जिसे आप कमर्शियली रीयूज कर सकते हो, रीसेल कर सकते हो, और आपको इसमें कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या ऐसी कोई चीज नहीं आएगी। तो यार सारी चीजें समझ गए, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो यार प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं रोज हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि यार जो भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूँ वो आपको पूरी तरह समझ में आए। तो यार उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।